हेलो गाइस, मैं हूं सूरज कुमार पांडे, आपको नमस्कार। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं, दरअसल मेरे गुंडे की तबीयत बहुत खराब है। अभी कल हम इसकी सफाई किए थे, आप वीडियो में देखे होंगे। गाइस, हम शाम को मेरे घर पे आटा चक्की है उसको चलाने के लिए गए थे, और वहां से आए तो देखे ये फर्श पे गिरा पड़ा था पूरा। गाइस, से पीछे से इसके पूरा पोंख रहा था गाइस, ऐसा लाइटरिंग पतला पतला कर रहा था और इसके मुंह से पूरा लार निकल रहा था। लेकिन गाइस, इसका हम दवा किए शाम के वक्त में, वहां पे था लेकिन वही 3-4 बजे भोर में वहां से उठ के गायब हो गया था। गाइस, इसको झाड़ी में इधर उधर बहुत ढूंढे, अभी देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दिया है लेकिन उठ नहीं रहा है। इसको उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं, सोच रहे हैं कि रूम के पास ले चले, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बहुत ज्यादा आते रहते हैं, काटने भी लगते हैं। तो गाइस, इसको वहाँ रूम के पास ले जाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है। तो चलिए प्रयास करते हैं। तो गाइस, गुंडा की हालत रात में ऐसी हो गई थी कि अब बचेगा नहीं। लेकिन गाइस, कुछ दवा था, हम इसको देखे और इसको पिलाए, संपर्क किए डॉक्टर से। इसके बाद बोला कि आप इलायची 2 ठो ले लीजिए और थोड़ा शहद और उसमें 4 रस, 1 नींबू में से 4 बूंद रस उसको उसका टपका के उसको एक में ही मिला के गाइस इसको पिलाना था। तो इसको हम पिलाए, इसके बाद हम लोग वही 12 बजे के लगभग सोने के लिए चले गए, और आए जब सुबह 4 बजे भोर में देखे तो वहाँ पे नहीं था। तब से गाइस इसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन गाइस पूरा झाड़ी चारों तरफ का ही ढूंढ लिए लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दिया। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसको, एक बार कैमरा में थोड़ा पास में आना, इसको दिखा देना। देखिए गाइस, इसके मुंह में ये सब गाइस उल्टी किया हुआ था, पूरा उल्टी किया हुआ था, ये देख रहे हैं पैर में। और यहाँ इसको आप पीछे से एक बार देख लीजिए गाइस, ये पूरा लाइटरिंग किया हुआ था, पूरा पतला पतला लाइटरिंग किया हुआ था। तो गाइस, अभी तो ये सही लग रहा है क्योंकि उस समय पे बैठ भी नहीं रहा था, लेकिन अभी तो मुंडी उठा रहा है, हपर 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 पूरा। गाइस, इसका जो रिएक्ट था गजब का था, हमें लग रहा था कि ये बचेगा नहीं। लेकिन गाइस, आप देख रहे हैं अभी हमको यहाँ पे मिला है, राखड़ में आके यहाँ गड्ढे में सोया हुआ था। ओ, थोड़ा इधर आना यार, इसका हेल्प करवाओ, इसको उठा के रूम पे ले चलते हैं। तो गाइस, ये रूम पे ही सोया था, लेकिन कुत्ते अक्सर ऐसा होते हैं कि जब उनका जान शरीर से निकलने वाला होता है तो अपने मालिक का घर छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ऐसे जगह पे चले कि जहाँ पे गंदगी ना हो और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, जहाँ सुरक्षित जगह हो। तो गाइस, कुत्ते भी बहुत वफादार होते हैं, आप भी किसी कुत्ते को अपने लाइफ में 1 रोटी खिलाए होंगे तो आपको भी ये बात याद होगी। तो गाइस, हम तो बहुत कुत्ते का सेवा करते हैं, हमारे पास तमाम कुत्ते रहते हैं। तो गाइस, इसको हम ले चलते हैं गुंडा को, क्योंकि ये मेरा स्पेशल कुत्ता है, आप तो जानते ही हैं। ओम, थोड़ा इसका हेल्प करवाओ, इसको ले चलते हैं यार। तो गाइस, इसको ले चल के अभी नींबू शहद और गाइस इलायची, गाइस 3 चीज अभी फिर से इसको पीस के और फिर से घोल के पिलाना है। गाइस देख रहे हैं, चल नहीं पा रहा है। तो गाइस, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसका जो पीछे का पोजीशन है यही गाइस तुरंत जमीन पे रख देता है। कल गाइस वही 4-5 बजे के लगभग हम अपने घर पे गए हुए थे, वहां पे आटा चक्की है, बीच बीच में उसको चलाना भी पड़ता है। तो गाइस, वहां से आके देखे तो फर्श पे पड़ा हुआ था, आके आप पहले फर्श की भी हालत देख लीजिए क्या कैसी है। गाइस, शाम के वक्त देखिए इसी बोरा पे हम इसको सुलाए थे, ये पूरा उल्टी किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए लाइटिंग किया हुआ है, ये पीछे यहाँ पूंछ के पास था। गाइस, आप देख रहे हैं, ये देखिए लाइटिंग किया हुआ है, पूरा ब्लड ब्लड है। और गाइस, यहाँ पे लाइटिंग किया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे पूरा उल्टी किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, और वहां तक पूरा बह के गया है। तो गाइस, हम वही 7 बजे के करीब आए थे और देखे तो गुंडा की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो गाइस, हमारा छोटा वाला भाई पीछे फार्म पे था, तो हम उसको बुलाए, हम बोले कि इसको क्या हुआ है।
तो बताया कि हमको मालूम नहीं है, तो गाइस इसका इलाज चालू किए। पहले इसको हम दर्द की गोली, हम सोचे कि क्या कोई मार दिया है, तो दर्द की गोली और दूध हल्का गर्म करके कुंकनी इसको दिए गाइस, ये पिया। इसके बाद शहद, नींबू और इसके बाद एक चीज़ और था इलायची गाइस, उसको कूट के एक में मिला के फिर से गुंडा को पिलाए। तो गाइस इसके में जान आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा गुंडा कैसा है। तो गाइस अपने गुंडा को हम रूम पे ले आए, इसको 2-3 घंटे से ढूंढ रहे थे लेकिन गाइस अभी मिल गया। तो गाइस आज का वीडियो यही था, आपको दिखाना चाहते थे, क्या पता गुंडा कहीं गायब हो जाता, मर जाता कहीं, तो आप लोग सोचते कि जो स्पेशल वाला सबसे वफादार आप बता रहे थे कुत्ता गुंडा कहाँ गया। तो गाइस आपसे भी इससे हम बहुत बार मिलवाए हैं, तो लास्ट में भी सोचे कि मिलवाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा गुंडा फ्रेश लगता है, हो जाएगा। तो गाइस आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।